प्राथमिक शाला कन्या कटरा व्यवस्थाओं का शिकार, मेन गेट पर लगा गंदगी का अंबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के त्योथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला कन्या कटरा अपने अस्तित्व से जूझ रहा है। ऐसा इसलिए है कि यह भारी अव्यवस्थाओं के बीच संचालित हो रहा है। विभाग के सक्षम अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। शिक्षा के मंदिर में बालिकाओं के पठन पाठन हेतु स्वच्छ एवं साफ वातावरण की आवश्यकता होती है, परंतु यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। वह दिन दूर नहीं है जब प्राथमिक शाला कन्या में बालिकाएं जाना ही बंद कर देंगी, क्योंकि विद्यालय की मेन गेट पर भारी गंदगी का अंबार लगा हुआ है और आवागमन के मार्ग पर अतिक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसके साथ ही मेन गेट पर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। विद्यालय के मेन गेट पर मुर्गे की दुकान अवैध रूप से संचालित की जा रही है। मेन गेट पर ही बाहर के लोगों ने मूत्र विसर्जन का अड्डा बना लिया है। इन सब अव्यवस्थाओं की वजह से शिक्षक और बालिकाओं को आने जाने में भारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय द्वारा निर्मित समस्याओं पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई पहल अब तक सामने नहीं आई है। विद्यालय परिसर के सामने कटरा पंचायत द्वारा कूड़ादान का निर्माण करवाया गया था, परंतु जो स्थितियां स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, लग रहा है कि आज तक कूड़े कचरे का उठाव नहीं किया गया है। ऐसी ही व्यवस्थाएं क्षेत्र में संचालित अन्य विद्यालय परिसरों में भी बनी हुई हैं। फिलहाल पूरे मामले में जिला अधिकारी और क्षेत्र के अधिकारी किस नतीजे पर पहुंचेंगे और क्या कार्रवाई की जाएगी, आने वाले समय में ही पता चलेगा। यीशु के सरवानी की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। आइए ले चलते हैं हम आपको किस तरीके से स्कूल परिसर, जो एक मंदिर होता है, वहाँ एक कूड़ादान बना दिया गया है, जिससे यहाँ पर बदबू फैल रही है। और दूसरी बात यह है कि ग्रामीणों द्वारा इस स्कूल के सामने पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। यहाँ पर मुर्गे कटते हैं, अंडे बेचे जाते हैं, जिससे यहाँ पर एक आक्रांत जैसा माहौल बन गया है, जिस कारण बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, ढेर सारी असुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं। और हम आपको ले चलते हैं, आइए ले चलते हैं किस तरीके से यहाँ असुविधाएं हैं। यहाँ पर समस्त ग्राम वासियों द्वारा पेशाब किया जाता है, जो कि स्कूल में ढेर सारा बदबू फैला हुआ है। यहाँ पर शराब पीते हैं और बोतलें मेंकते हैं, काफी बदबू करता है। आइए देखिए, आप सभी ये देखिए यहाँ पर डिस्पोजलें पड़ी हुई हैं, ये देखिए आपको गोवा की बोतलें पड़ी हुई हैं। आप देखिए, ये गोवा लिखा हुआ है। देखिए आप, देखिए ये सारा ग्राम पंचायत इसका विरोध नहीं कर रहा है। गोवा देखिए आप, ये आप देखिए किस तरीके से कूड़ादान बना दिया गया है। यहाँ पर कितनी भी सफाई कराया जाए, ग्रामवासियों द्वारा यहाँ पर कचरा मेंक दिया जाता है, जिससे भारी असुविधा का खेल हो रहा है यहाँ पर। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर मुर्गियाँ बेची जा रही हैं, कटती हैं, जिससे बच्चे डरते हैं। देखिए आप, जो कि स्कूल परिसर से ही लगा हुआ है, इधर हमारी स्कूल है, जहाँ पर बच्चे ढेर सारी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। बच्चे डर के मारे स्कूल ही नहीं आते, शिक्षक किसको पढ़ाए। तो ये सारी असुविधाएं हैं, ये ढेर सारी दुकानें हैं जो स्कूल के सामने अतिक्रमण कर लिया गया है। ये आप देखिए, ये राजीव भाई जी की दुकान है,
ये मोबाइल नंबर भी है, आप इसमें सर्च कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, इधर भी दुकानें हैं, स्कूल में आने का कोई जगह नहीं है। इसी तरीके से स्कूल के छत के ऊपर भी कचरा फेंकते हैं और स्कूल के पीछे की बिल्डिंग भी अतिक्रमण कर लिए हैं और बच्चे आते नहीं हैं, जिससे बहुत असुविधा हो रही है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज हम आपको ले चलते हैं कैसे विद्यालय जहां की स्कूल में ग्रामवासियों की लापरवाही की वजह से यहां पर इस स्कूल के परिसर के अंदर शराबी लोग शराब पीते हैं और ये बालिका विद्यालय है जो कि त्योंथर विधानसभा के अंतर्गत आता है, पीएस कन्या कटरा। हम आपको ले चलते हैं कि स्कूल के छत के ऊपर किस तरीके से नशेड़ी लोग स्कूल में चढ़ के शराब पीते हैं। आइए देखिए कितनी शराब की बोतलें इकट्ठा हुई हैं। आप देखिए ठीक से देखिए, आप इसको देखिए, आप देखिए। और शासन प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इन नशेड़ियों को नहीं पकड़ रहा है। आप देखिए एक मुख्तलिफ किस्म की शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। देखिए यहाँ से देखिए, कम से कम 50 शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं और कम से कम इतनी ही बोतलें यहाँ टूटी फूटी पड़ी हैं। 2-3 बोरी बोतलें फूटी हुई जिसको हमने मेकवा दिया। क्या नाम है आपका बताइए? छोटू जी, ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले ये बताइए, मैं जान सफाई कर रहे हैं, आप कितने बोरी बोतलें यहाँ साफ करके बाहर फेंक चुके हैं बताइए? 3-4 बोरी। आपका क्या नाम है बताइए? आकाश जी, ये बताइए क्या कर रहे हैं आप? सबसे पहले बताइए आप। सफाई कितनी बोरी बोतलें आप यहाँ से सफाई कर चुके हैं बताइए? 4-5 बोरी बोतलें। देखिए किस तरीके से इस भारी अव्यवस्था फैली हुई है और यहाँ पर चिखना है, पन्नी पड़ी हुई है, पता नहीं क्या क्या चीज पड़ा हुआ। क्या नाम है सबसे पहले मैं आपको जान? राजेश यादव। राजेश जी, आप सबसे पहले बताइए क्या कर रहे हैं? दिलाए और स्कूल को इनके आक्रमण
शांत भावना से मुक्त कराएं। आइए देखें किस तरीके से शराब की बोतलें इकट्ठा है। आप देखिए एक तरफ से शराब की बोतलें इकट्ठा है, किस तरीके से शराब पीते हैं। यहाँ पर देखिए मैं सफाई करा रहा हूँ। आप देखिए मान्यवर आपका नाम बताइए, क्या नाम है? राजेश। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर बताइए, कहाँ पर हैं आप? कटरा में। कौन से विद्यालय में हैं आप? पीएस कन्या कटरा। पीएस कन्या कटरा जी। ये आप बताइए कि ये किसकी बोतलें हैं, बताइए आप? दारू वाली बोतलें हैं। आप यहाँ से कितनी बोरी बोतलें ले जा चुके हैं आप बताइए? टोटल कितनी बोरी बोतलें आप ले जा चुके हैं यहाँ से हटा के? दो बोरी। आप सामने आइए, सामने आप अपना चेहरा दिखाइए। आप भी सामने खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका बताइए? आकाश। यहाँ बताइए कि शराब की कितनी बोरी बोतलें आप यहाँ से साफ करके ले जा चुके हैं, बताइए? दो बोरी। आप भी बताइए, आप क्या नाम है आपका? कितनी बोरी शराब की बोतलें आप लेके यहाँ से जा चुके हैं? दो तीन बोरी। तो देखिए किस तरीके से सफाई कर रहे हैं। अभी धरी हुई है चार पांच बोरी, जो कि क्या नाम से फूटी हुई है बोरी। आप देखिए यहाँ भी देखिए शराब की बोतलें, यहाँ देखिए किस तरीके से, ये देखिए यहाँ भी अव्यवस्था फैली हुई, हर जगह शराब की बोतलें, शराबी नशेड़ियों का जमावड़ा है यहाँ पर। देखिए किस तरीके से ये देखिए है ना, ये देखिए आप कितनी शराब मुख्तलिफ किस्म की शराबें पीते हैं यहाँ पर। देखिए शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। आप देखिए एक शराब की बोतल अभी भी आधी भरी हुई है, देखिए आप देखिए अभी भी आधी भरी हुई है। और देखिए ये देखिए आप भी देखिए किस तरीके से, ये देखिए। अब इसमें शासन प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और यहाँ के शराबियों को कड़ी से कड़ी सजा दें, हम यही अनुरोध। हमारी अब तक की रिपोर्टिंग के अलग अलग एपिसोड में सारी वीडियो डिटेल में आपको द खबरदार ओरिजिनल्स में मिल जाएगी। हर एपिसोड अलग पोस्ट किए गए हैं, जिन्हें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर देख सकते हैं। हमने इस पूरी यात्रा की वीडियो को एक नए प्लेलिस्ट में भी रखा है, ताकि आप लोगों को पूरी यात्रा की वीडियो एक साथ मिल सके। तो फिर जुड़े रहें द खबरदार न्यूज के साथ, क्योंकि हम आपको पूरी यात्रा में इतनी नई और रोचक चीजें दिखाएंगे जो आपने अब तक कहीं ना देखी होगी और ना सुनी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जबलपुर से इंदौर तक के इस सफर की वीडियो देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, और द खबरदार न्यूज TKN ओरिजिनल्स जो हमारा YouTube चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस यात्रा की सारी वीडियोज एक साथ देखने को मिले। धन्यवाद।